को यन जल त्याग की तपस्या करी पर बाबा की महिमा ला समझ नहीं पाई है ना। आओ ये संत गुरु घासीदास सतनाम की महिमा अपार है भाई। ये लग ज्ञान रूपी देखे जाते हाँ जी है ना। आओ ज्ञान के रूपी ला प्राप्त करे जा सकते प्रत्यक्ष बाबा जी के दर्शन ये कलयुग में हो नहीं सके भाई। ऐसे हमारे संत मन बता है ऐसे प्रकार की ये कलयुग में नाना प्रकार के अत्याचार पापाचार अंधकार छायु हावे भैया पाप के अधिकतम से माता धरती व्याकुल हो गई जी। माँ धरती व्याकुल हो जाती ये संसार के मनुष्य की दुख ला पीड़ा ला देख के माता सहन नहीं कर सके भाई नहीं कर सके जी। जब माता ला पीड़ा होती ना व्याकुल होती तब सतपुरुष के याद करते सतपुरुष के गुहार करते गुहार करते हे मालिक हे पुरुष बाबा हे ज्योति पुरुष संसार के जन्मदाता सृष्टि करता रचयिता बाबा आज मैं बड़ा व्याकुल हूँ बड़ा दुखी हूँ बाबा मोर दुख की निवारण कर दे निवारण कर दे। ऐसे करके माता पुकार करने लगे भाई और ये धरती में जब 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 अत्याचार पापाचार अहंकार पैदा हो बड़े बड़े राक्षस मन पैदा हो ना तब सतपुरुष के अवतार होते जी है ना। जब जब हो ये धर्म के हानि तब तब बाढ़े असुर तब तब धरे बाबा विविध शरीरा अब हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। संत के अवतार बार बार नहीं हो भाई समय समय में होते होते जी समय समय अवतार लेते संत गुरु घासीदास बाबा के अवतार जब कलयुग में अत्याचार पापाचार मनवाद जाति भेद छुआछूत भेद ऊंच नीच के भेदभाव मानिस छोटे जाति ला छोटे मनुष्य ला कोई समझे नहीं आज भी चलते हैं कतको भक्ति भाव है पर आज कहीं कहीं जगह में हावे छूटे च नहीं छुआछूत के भाव अभी तक के है ऊंच नीच के भाव अभी तक चलते चलते है ना। पर वो समय विशेष करके हुई है ना छोटे मनुष्य ला छोटे जाति समझ के मानव मन अत्याचार पापाचार अपमान जनित कर्म करे भाई है ना। सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति बताते आज सही बात है वो मन बहुत स्वार्थी जात के होते है ना। ये शरीर जैसे शरीर होकर बने हैं वैसे शरीर सब जीव के बने हैं। हमारे संत गुरु घासीदास संसार में 84 लाख ये जीव है सब एक समान समझे मानो मानो एक समान समान मानिस मानो में कोई भेद नहीं बताए मानो में कोई जाति नहीं बता है नहीं बता है काबर जीव तो एक प्रकार है। हमारे बाबा जी उपदेश में कहे संत भाई संसार में दो जाति है दो जाति है चाहे कोई भी प्राणी हो चाहे मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो कीट हो दो जाति दो जाति भैया काका काका जी एक नर दूसरा नारी नारी संसार में दो ही जाति उत्पन्न हो है भाई तीसरा कोई जात नहीं है जी है ना। हो सभी में मालिक के अंश है जीव रूपी निराकार ब्रह्म समाये हुए हैं पर आज अज्ञान रूपी मनुष्य है थोड़ा से ज्ञान प्राप्त हो के बाद में छोटे मनुष्य के अभी तक अपमान करते भाई अभी तक सम्मान नहीं कर पाए। माता धरती व्याकुल है जी माँ धरती कहे बाबा माँ बाबा मुर रक्षा कर गुरु जी
मुला ज्ञान दे दे बाबा मोर उद्धार कर दे ये भव सागर से मुला पार कर दे मोर दुख के निवारण कर दे गुरु जी भक्ति के रूप धारण करके माता धरती पुकारी माँ धरती की पुकार ल सुन के सतपुर सतनाम पिता सतलोक से कहे बेटी भक्ति तोर निवारण दुख के जरूर करूँ मैं यहाँ मैं सुन लिया हूँ बेटी मुर ज्ञान दिव्य दृष्टि से दिव्य आत्मा से मैं तुल पहचान ले का तकलीफ में ये संसार के मनुष्य तुल समझ नहीं पात काबर तुर गोद में बेटी नाना प्रकार के गौ हत्या हो थे है ना जीव की हत्या हो थे मनुष्य जेला खाए बन्ने हो तेला वो मन खावा थे है ना खाओ मांस मछली के अधिक सेवन करत सेवन करत है जेला राक्षस मन ला बताए है शास्त्र में मांस मदरा के सेवन ला राक्षस मन करते करते पर आज मैं देखता हूं तो 95 से 98 प्रतिशत है ना हां सही मनुष्य मांसाहार है जी हां जी और दारू के भट्टी में जान देखना भैया वहां लड़ाई झगड़ा हो जाए मार काट हाथ टूट जाए पर वहां हाथ लमाए छोड़े नहीं है ना छोड़े नहीं संजक बेरम 4 बजे 3 बजे जब जाहिर एकदम तक कहां जाता था भैया पूछ पर मंदिर जात होगा बोला मंदिर कथे है ना वो दिन धोखा हो गया गुरु जी हम अल्लाह कहां जी वो दिन प्रोग्राम में गारंटी है हां में कौन गांव कोटे नाम गुरु जी कोटे नाम में सच बात दूर ध्यान मंदिर जाते हैं कि हाँ 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 तो हम तबला वाला कथे हाँ हम मंदिर जाते हैं मास्टर हाँ एक कनिक दर्शन करके आ जाते हैं बने की कथे हम बने कहा था श्याम भैया सिरकट्टी आश्रम लगे हैं जी लगे दर्शन करके आ ले बे आज हमरो मन भर गुरु के प्रसाद ले आते हैं उमल आगे कहाँ गए हैं जी मंदिर चल दे होगा तो प्रसाद देने जी प्रसाद नहीं है गा कथे वो तो चेप्टी वाला है कि जी ऐसे मंदिर में भैया हाँ जी अवगुण के दर्शन करे बर जाते जी वो मंदिर में गुण छोड़े हैं गुण है का नहीं अवगुण है ना वहाँ के शब्द विकराल है वहाँ के खानी बानी विकराल है वहाँ के भाव व्यवहार विकराल है नहीं पर वहाँ ला मंदिर का दाई दादा की कोई सेवा नहीं करे गुरु के वचन लत माने नहीं है ना आवाज वहां जाके कतको है ना कहोला दादा कहा थे है ना कहोल पिताजी कहा थे कहा वही जगह मंदिर में है ना कहा कहो कहीं हो बोला भैया कहा थे कहोल भाटो कहा थे कहोल कहीं मोसा कहा थे कई घर रिश्ते थोड़ा बहुत लगी तहान और घर के रिश्ते ला भुला जाते आ देखो मनुष्य की भावना कैसी है ओकरे पाके थी जाकी रही भावना जैसी अप्रभु मूरत देखी दिन तैसी है ना भावना मनुष्य खराब नहीं है भैया मनुष्य कभी खराब नहीं हो सके काबर वो तो ईश्वर के देन है जी पर मान हां मन वृत्ति खराब होती है मन के भावना आदमी के भावना खराब होती एक पाए के वो मनुष्य ला गलत कर्म करना पड़ते आज देखो भैया हमर ये फूफा घर में ज्योति पूरत जले है सतनाम के गद्दी लगे है सब संत समाज में बैठे है पर आज हमार फूफा दीदी मन आगी तापत भिथरी खुश रहे ऐसे हुआ देखो खर्चन करे बर कट रहे कैसे करबे गुरु जी ठंडा लागत है कहां थे हमला बैठार दे यहां ठंडा में अब अपन मन गोरसी तापत है ना हाँ। का मतलब की है ना पापी नैना बहेली आहे हो ये दोनों नैना बहेली आहे हो पापी दोनों नैना
करी।